तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज इन ट्रांसलेशनल मोशन एनालॉगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल मोशन इज, क्या था? मास, है ना, 1/2 mv² एंड 1/2 i ओमेगा का स्क्वायर। तो ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस है, एनालॉगस से मतलब इसका काम ये प्रोवाइड करता है बस, ठीक है। तो ये होता है मास। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला था दो मासेस है, एक 500 ग्राम है दूसरा 600 ग्राम है, आर अटैच टू द 10 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर मार्क्स, एक मिनट, मार्क्स रिस्पेक्टिवली ऑफ लाइट मीटर स्केल, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्केल इज। अब यहाँ पे देखो एकदम सिंपल कंडीशन है, मीटर स्केल बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो रीडिंग होगी वो 1 से लेके 100 सेंटीमीटर तक होगी, क्लियर। आगे बोला है कि इसके सेंटर में से एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। अब सेंटर में से एक्स ऑफ रोटेशन पास होगा मतलब मुझे बोलो कि ये जीरो से जब रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, वहां पे मिड पॉइंट है तो 50 सेंटीमीटर रहेगा। और आपको बोला है कि पहला मास 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर पे पहला मास है, मतलब 500 ग्राम, उसको मैं केजी में लिखता हूँ, 0.5 kg प्लेस किया है। एंड दूसरा मास है जो प्लेस किया है 80 सेंटीमीटर पे, मतलब ये यहाँ से लेके ये 80 सेंटीमीटर हो गया और ये 0.6 kg प्लेस किया है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये डिस्टेंसेस आपको ये जीरो से दिए, हमें रिक्वायर्ड कहाँ से होते हैं, हमें रिक्वायर्ड होते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो मुझे बोलो अगर यहाँ से यहाँ तक 50 है तो उसमें से 10 गया तो कितना डिस्टेंस बचा, ये 40। उसी तरह से ये डिस्टेंस कितना बचेगा, 30। हे बगा, इतनी इतपर्यंत 50 है तो ये 50 में से ये 80, मतलब ये इस पॉइंट पे मास से ये 80 है तो ये 80 मतलब इधर कितना बचा, 20। तो ये यहां से अगर मेजर कर रहे 50 से लेके 80 तक तो वो हो जाएगा 30, क्लियर। yes. दो मासे से इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू m1r1² + m2r2² करना पड़ेगा। m1 कितना है, 0.5, r1 का स्क्वायर कर रहे हैं, r1 40 सेंटीमीटर है, मतलब अभी बोला था मैंने सेंटीमीटर का मीटर में कर रहे तो -2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब मैं इसको 0.4 लिख सकता हूँ जिसका स्क्वायर होगा 0.16, प्लस m2 कितना है 0.6 kg, उसका डिस्टेंस कितना होगा 0.3, उसका स्क्वायर होगा 0.09, क्लियर ये स्टेप सबको। यस सर। चलो अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 16 × 5 बनेगा 80 प्लस 9 × 6 बनेगा 54, यहाँ पे 10^-3, यहाँ पे 10^-3 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, बाद में पुट कर देंगे, ऑप्शन किस फॉर्म में है, ठीक है। तो 80 + 54 कितना आएगा, 134 × 10^-3 यानी डेसिमल शिफ्ट करके ये बनेगा 0.134 kg/m², क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कुछ इसी इस तरह का ही है ना, सब लोग आवाज आ रहा है? थर्ड में जो बोला है कंसेप्ट कि एक रॉड है जिसकी लेंथ 0.5 मीटर लॉन्ग है, मतलब ये रॉड है यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ आपको दी है 0.5 मीटर लॉन्ग, और बोला कि टू मासेस ईच ऑफ 20 ग्राम स्टक टू इट्स एंड, मतलब इधर भी 20 ग्राम इधर भी 20 ग्राम, एंड इफ द मासेस आर ट्रीटेड एज पॉइंट मासेस एंड इफ द मास ऑफ द रॉड इज निग्लेक्टेड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इज। देखो आपको दोनों भी स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि जो रॉड होगा या फिर जो स्केल होगी उसका मास आप निग्लेक्ट करो, क्योंकि वो निग्लेक्ट नहीं करेंगे तो हमें रॉड के लिए फॉर्मूला मालूम है, वो कंसिडर करना पड़ेगा। क्या होता है रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे फिर से वही कंडीशन होगी कि टोटल लेंथ 0.5 थी तो ये लेंथ कितनी होगी उसकी हाफ यानी 0.25 मीटर, ये लेंथ कितनी होगी अगेन इसकी हाफ मतलब 0.25 मीटर।
अब ये 20 ग्राम था, 20 ग्राम है मतलब हमें इसको 1000 से डिवाइड करना है तो 0.02 केजी लेना पड़ेगा, और इसको भी 0.02 केजी लेना पड़ेगा। दो ही मासेस है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, m1r1² + m2r2² अब m1 मतलब 0.02 है, r1 मतलब कौन है 0.25 है, अगर डिटेल अरेंजमेंट करनी है तो ये 0.02 × 0.25 + 0.02 × 0.25 × 0.25 ऐसे है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो टर्म है वही टर्म यहाँ पे है, मतलब हम दोनों को कॉमन लेंगे तो ये डबल हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 0.02 × 0.25 × 0.25। कळलं काय सगळ्यांना, मॅथमॅटिक्स ही आहे ॲडिशनच, कळलं का नाही? यस सर। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सिंपल, ये 2 × 2 करेंगे ये 4 बनेगा, 4 × 25 100 हो गया, 100 × 25 मतलब 2500 हो गया, लेकिन डेसिमल कितने शिफ्ट किए, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, मतलब कितना आएगा 10⁻⁶। अब ऑप्शन कौन से फॉर्म में है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करो, ऑप्शन में क्या है 2.5 दिया है तो 1, 2, 3 डिजिट से शिफ्ट करो, 2.5 × 10⁻³ केजी मीटर स्क्वायर, गॉट इट? सर ये आंसर रॉन्ग दाखवतं हे का टेस्ट मध्ये? नाही असं नाही होणार, ऑनलाइन टेस्ट मध्ये। ठीक आहे, मला एकदा व्हॉट्सअप करशील नंतर मी करेक्शन करून देतो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि फ्लाईव्हील, अब फ्लाईव्हील मतलब उसको अपन डिसकंसीडर करते हैं, या फिर फ्लाईव्हील क्या है आपको मालूम भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बोला है कि फ्लाईव्हील है जिसका मास है 4 kg एंड रेडियस ऑफ गायरेशन है मतलब के है, कितना है के, 0.1 मीटर, और बोला है कि ये 4 revolution per second बना रहा है, तो हम 2π × n करेंगे तो ये 8π rad/s बन जाएगा ओमेगा। आपको फाइंड करनी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 × i × ओमेगा² ये दोनों मुझे आई कैलकुलेट करके देंगे, i = होता है mk² 0.1 मतलब ऑलरेडी 10⁻¹ है, उसका स्क्वायर -2 हो जाएगा, 4 × 10⁻², मतलब ये 1/2 × 4 × 10⁻², आ गया। ओमेगा कितना है 8π, 8² = 64, π² π² ये पाई स्क्वायर को अपन एज ए 10 ट्रीट करते तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 64 का डबल मतलब 1 to 8 के रेंज में आंसर आएगा। अब ऑप्शन में क्या बोला है, 12.8 बोला है, ठीक है, तो ये 1 to 8 आ गया, 10⁻²² है, पाई स्क्वायर को 10 लेंगे तो -1 बचेगा, मतलब ये बनेगा 12.8, क्लियर? यस सर। सर 16 जूल था ना? 16 जूल क्या आंसर? नहीं, आपको रॉन्ग दिया कि एग्जाम में, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, अ व्हील ऑफ मास 10 kg, मास दिया 10 kg, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के दी आपको 50 cm, रोटेटिंग एट 300 rpm, अब rpm दिया कि हमारा पहला रूल क्या होता है उसको 60 से डिवाइड करना, तो ये आ गया 5 rps, मतलब ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं 2π n से, 2π × 5 मतलब ये बनेगा 10π rad/s, ये हो गया ओमेगा। एंड फिर से वही पूछा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों के ऊपर से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, दैट इज mk² अब k तो 50 cm है मतलब 0.5 होगा, 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25 × 10 करेंगे मतलब ये 2.5 आ गया, तो एनर्जी होगी 1/2 × 2.5 × ओमेगा² मतलब 10π² 10² 100, π² 10, तो ये 10³ बन जाएगी डायरेक्टली, तो ये E = ये 1000 / 2 मतलब 500
मतलब ये 50 × 25 म्हणजे किती येईल हे 5 5 एक मिनट 2.5/2 कितना आएगा ये 1.25 × 10³ मतलब 1250 जूल. सो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है सी. हो गया क्लियर? यस. चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6. उसमें एक डायग्राम दिया आपको और ये डायग्राम में ऐसे बोला है कि ये वेरियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसमें ए बी सी और डी. रूल क्या है? देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास इनटू डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर. यानी अब यहाँ पे क्या होगा कि जो डिस्टेंस है जिस मास का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा रहेगा. तो अपन वन बाय वन जाएंगे. ऑप्शन ए में बोला है ए बी. तो अगर अपन ए बी को एक्स ऑफ रोटेशन लेंगे तो बी सी ये डिस्टेंस इतना भी बड़ा नहीं है मतलब ये तो आंसर नहीं होगा. देन ऑप्शन में बी सी बोला है. अगर बी सी से देखेंगे तो ए का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. ये सी से अगर ए का डिस्टेंस देखेंगे तो अगेन ये बहुत ज्यादा है. मतलब बी सी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा तो वहां पे इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा रहेगा. यानी आपका आंसर बनता है बी सी. थियोरेटिकल क्वेश्चन होता. कड़ा लो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. उसमें बोला है कि बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई 3 kg/m² रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्ट दिए मतलब ओमेगा है 2 rads/s और सेम काइनेटिक एनर्जी बोला है एज. स्टेटमेंट में क्या बोला है देखो सेम काइनेटिक एनर्जी एज एक बॉडी है जिसका मास 12 kg है मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन की एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की सेम है ऐसे आपको बोला गया है. यहाँ पे 1/2 1/2 कैंसिल कर देंगे. अब यहाँ पे रोटेट होने वाली बॉडी का आई दिया है इसका मास दिया है कितना बोला है मास 12 v² मालूम नहीं है. यहाँ पे आई दिया है कितना दिया है 3 ओमेगा का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब ये बनेगा 4 तो 3 × 4 3 × 4 कैंसल तो v² = 1 आ गया यानी v = बनेगा 1 m/s. है क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ ये तो आ जाएगा सबको है कि नहीं. E=h×ν होता है और आपको बोला है कि एनर्जी अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट इनका रेशियो क्या होगा तो वो फ्रीक्वेंसी होती है. सोडवाइज का यून जाइले यून जाइले. देन क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं. 9 में क्या है कि रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लीनियर स्पीड वी ऑफ पार्टिकल एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड वी द एंगुलर स्पीड आर रिलेटेड एज ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर. दिस इंप्लाइज दैट अब ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर है लेकिन यहाँ पे ओमेगा का एक्चुअल फॉर्मूला 2π/T है एंड वी में भी 2πr/T आता है. इसको पुट करेंगे तो आर कैंसिल होगा यानी आर का एंड ओमेगा का कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है. ये सर्कुलर मोशन में भी अपन देख चुके हैं यानी कि क्या होगा ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉपर डिस्क रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है इंक्रीजेस इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीज्ड. अब मुझे पहले बोलो कि कॉपर की डिस्क है और ये डिस्क का टेम्परेचर बढ़ने से क्या रिलेशन रहेगा? टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा इसके साथ? ऐसी हो जाएगी. यस बेंडिंग. वेरी गुड. एक्सपांड होगी. अब ये एक्सपांड होगी मतलब क्या होगा कि जो एक्स ऑफ रोटेशन था उससे डिस्टेंस जो है मास का पहले इतना ही था अभी इतना हो जाएगा. मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा तो एमआर स्क्वायर के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर? मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है.
बी में क्या बोला है कि चेंजेस इफ इट्स एक्स ऑफ रोटेशन इज चेंज, बरोबर है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, एक्स ऑफ रोटेशन यहाँ पे आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, मतलब ए भी करेक्ट है एंड बी भी करेक्ट है, तो कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, बोथ ए एंड बी, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आज क्या करो, ये 10 क्वेश्चन की एंड जो कंटेंट पढ़ाया था उसकी प्रैक्टिस करो, हम जो रिमेनिंग एसबीटी के 1, 2, 3 के क्वेश्चन है वो कल सेम लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, चलेगा? पीडीएफ यस सर, यस पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। ओके।